धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। कभी कभी हम जिंदगी में कितनी भी कोशिशें करें पर हमारे सपने आसानी से पूरे नहीं होते, लेकिन हम कभी रुकते नहीं, उसके पीछे लगातार भागते रहते हैं। बाय द वे, नमस्कार, मैं हूं बादशाह। मैं 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता हूं। कभी नहीं सोचता कि मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं या पथरीली राहों पर। तूफानी रफ्तार से भागते हुए मुझे अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई देती हैं, और ये सब कुछ मैं एक इंसान के लिए करता हूँ। ये कहानी है उस इंसान और मेरे दोस्ती की, ये हमारी कहानी है। इस बंदे का नाम है सैंडी। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी कहानी की शुरुआत इससे करूंगा तो आप फिल्म अच्छी तरह समझ जाएंगे। खास बात यह है कि इसके घर में पैसे पेड़ पर उगते हैं। इस मोहल्ले में इसके बाप का खूब बोलबाला है, तो इसे लगता है कि ये अपने बाप के दम पर कुछ भी कर सकता है। आइए देखते हैं। क्या रे सैंडी, बहुत हो गया रे, अब कितने दिन तक पतंग उड़ाएगा रे? वो भाग्यशी है ना, उसको उड़ा। अरे भाई, काश आज मुझे पतंग मिल जाती बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें भी कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ये पतंग मिल जाए। हाँ बोलो। इट्स ओवर सैंडी, आई एम डन विद यू, लेट्स प्रे। क्या कर रहे हो? अरे हट जाएगी। अरे खींच खींच, तेरा ध्यान नहीं कर रहे, हम हार जाएंगे। एंड मोर ओवर, कल शादी कर रही हूँ मैं। क्या कहा? आज के बाद फोन मत करना, गुड बाय। अरे क्या कर रहा है? पतंग कट गई ना? पतंग कट गई इसकी तो मैं क्या यार, दिमाग खराब कर दिया इसने। ये भी ना। दीदार रब से मुकम्मल हो जाए, तसव्वुर हकीकत में यूं बदल जाए। दीदार रब से मुकम्मल हो जाए, तसव्वुर हकीकत में यूं बदल जाए। तेरे दर पे आओ मैं तुझ में जुदा, मैं हो रहा हूँ हक से तेरा, हो रहा हूँ जर्रा जर्रा, ढूंढता हूँ तुझको ए खुदा। दीदार रब से मुकम्मल हो जाए, तसव्वुर हकीकत में यूं बदल जाए। अरे ये खाई नहीं देता तुझे, सारा चावल गिरा दिया, पतंग काटने चले। सॉरी, हमें पतंग लूटना है। तेरे सारे दोस्त भाग गए, अब तेरा क्या होगा? इतने महंगे चावल हैं।
तुझ में समाओ, ये उल्फत जो तुझसे मैं रोक न पाऊं। खुद से जुदा मैं हो रहा हूँ, हक से तेरा हो रहा हूँ, जर्रा जर्रा ढूंढता हूँ तुझको ऐ खुदा। भाई आपके छत पर पतंग आई है, दरवाजा खोलो ना, हमें पतंग चाहिए। इधर कोई पतंग वतंग नहीं आई है, ये मोहल्ला नल्लों और नकारों का अड्डा बनता जा रहा है। भाई भाई हम लोग नल्ले नकारे हैं तो तू कौन है? तुझे वहीं पे आके मारू क्या बे? तो उस पानवाड़ी शेखर का लौंडा येली है ना, ये मत सोच कि मैं तुझे पहचानूंगा नहीं, सबके घर आके शिकायत करूंगा। ये फालतूगिरी अपने को पसंद नहीं है। अबे तुम चिल्लर लोग ऐसे मारोगे नहीं, अभी आके तुम लोग के पिछोड़े पे लात मारता हूँ, तुम्हारे तो बहुत नखरे चढ़ गए। सर एक्चुअली वी केम फॉर अ सर्वे, वी वांट टू नो हाउ मेनी पीपल आर स्टेइंग इन योर हाउस। मतलब सर यहाँ कितने लोग रहते हैं? मैं और मेरा बादशाह। बादशाह? हाँ अपना घोड़ा। हाँ? सर आपका मतलब है आपके साथ इस घर में घोड़ा रहता है? आई सी। अरे यहाँ कोई घोड़ा नहीं है, चलो निकल रहे हैं। When you hit them shot, then you get down flat. Why? When the fire start burning at the dance. शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि मैं जिस आदमी के लिए 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता हूँ, ये वही है। इसका नाम राजू है और राजू मेरी जान है। अब आप समझ गए होंगे कि इस फिल्म का टाइटल सवारी क्यों है। राजू घुड़सवारी करता है और अपना पेट पालने के लिए कभी कभी मुझे शादियों में ले जाता है। बड़ी छोटी सी इसकी दुनिया जिसमें सिर्फ मैं हूँ और ये है। मुझे पता है कि ये मेरे लिए अपनी जान दे देगा, ये मुझे बहुत प्यार करता है। हम दोनों का साथ ऐसा है कि हम किसी भी चीज से निपट सकते हैं और किसी की भी बैंड बजा सकते हैं। बच्चा पता है ये इंजेक्शन क्यों तैयार कर रहा है? मुझे कार्डियक एरिथमिया है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन समझना बहुत आसान है। मेरे शरीर के हिसाब से मेरा दिल थोड़ा कमजोर है। 5 साल पहले डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा था जिसमें 6 लाख रुपयों की जरूरत थी। उस दिन से राजू पैसे बचाने के लिए दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है। जब इसे भूखा सोते देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ। बताया ना, इसके लिए मेरी जान हाजिर है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। सुनो तुम ऐसे रुक क्यों गए? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चलो ना यहाँ से दूर चले जाते हैं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। राजू की एक और खास बात है, ये आदमी मुझसे हमेशा बातें करता रहता है। कितना भी थका हो, कुछ भी कर रहा हो, पर ये मुझे हमेशा अलग अलग कहानियां सुनाता रहता है। कभी फिल्मों की, कभी लड़कियों की, तो कभी पतंगों की। कुछ भी सुनाकर मेरे कान पकाता रहता है। मेरे भाई बादशाह, श्रीदेवी मैडम की अंगूठी कहीं खो गई। उसके पापा ने घर में घुसने नहीं दिया। वो जब भी अंदर आती उसे बार बार करण का झटका लगता। जैसे ही अंदर आती वैसे करण का झटका लगता। वाह पता है कितना हंगामा हो गया। फिर चीरू सर ने कहा इसे अंडे का पौधा कहते हैं। फिर अमरीश पुरी ने श्रीदेवी को बालिका कहा। बालिका बालिका कहकर पता नहीं श्रीदेवी से उनको क्या काम था। उसके बाद चीरू सर ने उनके हाथ से रबर बॉल छीन लिया और उसे वहीं पर तोड़ दिया। और लास्ट में उन्होंने इंद्राचा को इस दुनिया से विदा लेने को कहा, क्योंकि ये दुनिया बड़ी पापी है, तुम्हारा गलत फायदा उठा लेती है। फिर श्रीदेवी मैडम ने क्या हुआ रे?
आपको पता है ये इतना शर्मा क्यों रहा है? क्योंकि इसके पास भी इसकी श्री देवी है जिसका नाम है भाग्यश्री। इसका दिल मेरे अलावा सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। ये वही है। नमस्ते। राजू पिछले 2 सालों से एक ही जगह पर अटका हुआ है, पर भाग्यश्री ने इसे मुड़कर भी नहीं देखा। आपको क्या लगता है, लड़की अकड़ू है? ऐसी बात नहीं है, असल में बात ये है। भाग्यश्री, कार्ड अच्छी है आंटी। फिर से शादी करने वाली है? सुपर। जरा उसे देखो तो, वो तुम्हारी शादी का कार्ड है। व्हाट? चाचा, मैं कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि मैं इस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी, बट यू डोंट केयर। कारण पता है मुझे, रिटर्न में अच्छा दहेज मिल रहा है ना? मुझे उसके घर बेच के ऐश करेंगे, यही है ना आपका प्लान? हम तेरे भले के लिए ही कर रहे हैं भाग्यश्री। फिर मेरे लिए बुढ़ा ही क्यों ढूंढा? किसी अच्छे लड़के को ढूंढ लेती, बट नॉट लाइक 50+ assholes। आई डोंट नो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस शिट टू यू, एज इफ योर पीपल केयर। भाग्यश्री, डोंट बी सिली, दिस इज एन ऑर्डर, गो टू हेल। अब मैं आपको 2 बहुत ही खास बातें बताना चाहता हूँ। पहला, भाग्यश्री की शादी तय हो चुकी है। ये लोग खत्री फैमिली से हैं। इन लोगों में दुल्हन को घोड़े पर बिठाकर शादी के मंडप में लाने का रिवाज है। और दूसरी बात, मैं कब से इस बहरे को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी पीठ पर बैठी है वो ही तेरी भाग्यश्री है, पर मुझे नहीं लगता कि ये बुद्धू समझ पाएगा। भाग्यश्री, भैया क्या हो गया? मेरा घोड़ा लेके भागी। ये लड़की 13वीं बार ऐसे घोड़े पे भागी है। बचा, भाग्यश्री, कमाल है यार। बचा, बचा, बचा। अरे मुझे देखकर राजू को झटका लगा, क्योंकि भाग्यश्री मुझे वाइन शॉप पर लेकर आई है। ए, सुन, तू यहीं पे रुकना, अपन उसको लेके आता है। तुम्हारे में शर्म लियाज नहीं है क्या? बादशाह को लेकर गाय को भागी, ऐसा कोई करता है क्या? अरे यार, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो घोड़े से उतरने के बाद उसको सेटल कर लेती, ऐसा कोई करता है क्या भला? और जानती है वो दिल का कमजोर है बेचारा, अगर कुछ हो गया होता तो कौन इसका जिम्मेदार होता? आइला मेरे घोड़े को इतना तेज भगा के लेके आ गई। हेलो, अपन तेरे साथ बात कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं नहीं, आओ बैठ जाओ, बैठो। वो अपुन ने तुमको देखा नहीं,
बुरा मत मानना, पता नहीं था कि अंदर तुम हो। देखा या नहीं देखा क्या फर्क पड़ता है, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई। क्यों, क्या हुआ? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये नो बिजनेस, सवारी लाया था बादशाह, उसका सवारी। लेकिन अपन को बताना कि हुआ क्या। तुमने पुरानी फिल्मों के हीरो हीरोइन देखे हैं क्या? हाँ हाँ, मेरे चाचा और चाची भी बिल्कुल वैसे ही हैं। ऐसा क्या? वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। बचपन में ही मेरे मम्मी पापा के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तभी से ही इन लोगों का नाटक बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। 55 साल के बुड्ढे से शादी करा रहे हैं, कोई भी समझदार लड़की ऐसा करेगी क्या? है? इतना ही पैसा चाहिए तो अपनी बीवी से उसकी। गंदी बात नहीं। भाग्यश्री भाग्यश्री कंट्रोल कंट्रोल भाग्यश्री कंट्रोल। सवाल ही नहीं उठता। कंट्रोल, कोई उससे शादी नहीं करेगा। तुमने बिल्कुल सही किया है। अब इसके अलावा आई ब्रोक अप यस्टरडे। कुछ समझा नहीं अपुन। समझ आ भी गया तो क्या करेगा, इस पर थीसिस लिखेगा? ये जरा फूल हटाना, लगता है ये मुरझा गए ले, बदबू आ रही है। कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। ऐसा नहीं, अरे फूल की पड़ी है। अरे गॉड Please take me away. Yeah. I don't want to live in this freaking world. अरे ऐसा नहीं है। अरे रोना बंद कर। अरे तू ऐसा रो मत रे। चुप ना। अपुन तेरे को एक बात बताता है। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनने का। जिंदगी में ना सुख और दुख तांगे के पहियों जैसे होते हैं। सवारी तो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अगर हम रुक गए तो नीचे गिर जाते हैं। क्या डायलॉग मारा अपुन ने, समझा कुछ नहीं? कल रात को रेडियो में सुना था अपुन ने। वो बिल्कुल सही कह रहा था। हेलो, ओ मैडम, हेलो। चलो बिल भरो। सी नई बात है, अंदर ले आओ उसे। ठीक है। पता है ये रात के बियर और टकीला का बिल यहाँ सेटल करने आया है। बेचारे राजू का हर दिन का ये काम हो गया है। तो दूर क्यों भाग रही है? रात का पूरा बिल मैंने ही भरा था। What the heck? आइला, सब भूल गई क्या? अरे कल रात दारू की दुकान पे तू दारू पी के बैठी थी ना, और अपन सामने था। लेकिन रात में ना तेरे को एकदम मांस चढ़ गई थी, याद आया क्या? हे, आईने में कभी अपना चेहरा देखा है? हाँ, मैं तेरे साथ बैठकर पीऊंगी। हाँ पीकर आया है। फुट। अरे नहीं, कसम से दारू नहीं पिए, बादशाह की कसम। वो घोड़ा तेरा है ना? और क्या? So what you're saying is, मैंने एक घोड़े वाले के साथ रात में बैठकर दारू पी। वो वहाँ दारू की दुकान में। I think you have lost your mind. हम्म
अरे अरे हैप्पी जस्ट लीव नाउ ओइला अरे मैडम आखिर आप तुमसे झूठ काहे को बोलेगा भूल गई क्या रात को दारू पीती साथ में लेकिन अपने को पैसा नहीं चाहिए सच में ये क्या है ब्रेड की पैकेट लेकर घूम रही हो गया अरे अपने घर पे बहुत सारा पड़ेला है बोलती तो अपन लेके आते तेरे लिए सी आई हैव टू लीव नाउ क्या है कहाँ जा रही हो सैंडी डोंट मेक फन हियर जस्ट लीव सुना है तुम शादी करने जा रही हो मुझ में क्या प्रॉब्लम है तुम किसी के साथ भी जाओ पर फर्स्ट नाइट मेरे साथ ही मनाना होगा आई विल किक यू सैंडी आना आना मर बढ़िया लगता है ये पंचायत अभी लंबी खींचने वाली है तुझको मैं अभी दिखाता हूँ रुक ले ले सब ले ले जितनी मर्जी है उठा ले तू इसी एटीट्यूड की वजह से मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करती दैट्स व्हाई आई ब्रोक अप विद यू लड़कियां सिर्फ इसीलिए होती है ना तुम जैसों के लिए एक लड़की की क्या इज्जत है मुझे समझने में देर हो गई फाइनली दैट्स गुड फॉर मी जस्ट लीव क्या यार तुमने एकदम सही कहा लड़कियां इसलिए ही होती है प्लीज तो क्या करेगी सैंडी प्लीज डोंट एम्बैरस मी सैंडी गेट आउट तूने मुझ पे हाथ उठाया किसी और को ढूंढ लिया क्या मजे के लिए ये क्या भाई लुक एट हिम ही इज माय बॉयफ्रेंड क्या कहा अच्छा ये नहीं है क्या ये घोड़े वाला ये गली गली बच्चों को घोड़े की सवारी कराता है ये एक नंबर का छिछोरा है पता है तुम्हें सैंडी ने फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी थी वो छिछोरा होगा पर तुम्हारे जैसा चिल्लर नहीं है दैट्स फॉर श्योर रास्कल इसको आज अच्छे से सबक सिखा दे चल ठोकते हैं इसे ये हमारी तरफ का एक और है अरे अरे मम्मी ये क्या कर रहे हो तू मैंने तुझे भोला भला समझकर आज तक परेशान नहीं किया और तूने मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ मारा तेरी तो अरे बहुत दर्द हो रहा है बहुत दर्द हो रहा है हड्डी टूट जाएगी रे अरे छोड़ दे इसे वो झूठ बोल रही है यार इसकी शक्ल देखो गली गली घोड़ा लेके घूमता है वो इससे प्यार करेगी छोड़ो इसे चलते हैं चलना सुधर जा अरे चलना बाप रे देखा तूने बच्चा कैसे डर के मारे भाग गए उसकी पकड़ बता रही थी वो डरा हुआ था दो टके का आदमी वो इससे प्यार करेगी क्या बोला अभी जा कर रहा है पैंट गिली हो गई ना ए सैंडे तू किसी एंगल से मर्द है ही नहीं Oh boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on up for an up. I'm in love with the shape of you. Push a pull like a magnet to up. Those morons have hit you. Oh my god, I can't believe this. बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अब समझ गए होंगे ना मेरे साथ गेम खेलने का नतीजा ये बता तूने उन लोगों से क्या बोला था मॉल ओपनिंग के लिए हीरोइन आती तो उस पे लोग टूट पड़ते ना वैसे वो लोग मुझ पर टूट पड़ते तुम मेरे बीएफ हो बादशाह ब्लू फिल्म चाहिए ब्लू फिल्म तो मेरे घर पे बहुत सारी पड़ी है तू बोलना तेरे को दे दूंगा अरे पागल लड़की तू भी ना हे यू आर सच एन इडियट मैच बॉक्स है ना क्या बोली मैच बॉक्स मैच बॉक्स अरे बाप रे क्या थैंक्स वेयर डू यू स्टे रहते कहाँ हो यही बगल में बस्ती के बाजू वाली गली में कहीं को ब्लू फिल्म लेने आएगी क्या उसके लिए आने की जरूरत नहीं यहाँ पर लाके देगा ना देखो बीएफ मतलब ब्लू फिल्म नहीं होता बॉयफ्रेंड आइला अपन समझ ही नहीं पाया अरे बच्चे 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 ये ले ये पैसा पकड़ ये बॉयफ्रेंड क्या होता है रे लवर भाई लवर
तू अखियों से इस दिल में बस गई है छोरे हे जब से ये दिल की बात बता दी तूने ये पता के मेरी दुनिया हिला दी अरे रे सुनना जरा मुझे प्यार हुआ है मुझको ये एहसास पहली बार हुआ है ये तेरी चाल मेरा हाल बिगाड़े लूट लिया दिल को मेरे दिन दहाड़े ये 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 तेरे घर के सामने है ताजमहल बना दूं वो भी तेरी याद में छोड़ दिया खाना पीना तेरे ख्याल में जीना या मरना साथ तेरे अब हर हाल में दिल और जान तेरे सजदे में झुकते अरे एक जगह पर मेरे पैर ना रुकते सुनो जाऊं साथ में यार की शादी की दावत में नाचूं गाऊंगा म्यूजिक और डीजे का भी लुत्फ उठाऊंगा ये तेरा रूप मेरे दिल में है बसा अरे कलकत्ता के पान जैसा तुझ में है नशा ये 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 हे जब से ये दिल की बात बता दी तूने ये पता के मेरी दुनिया हिला दी अरे रे सुनना जरा मुझे प्यार हुआ है मुझको ये एहसास पहली बार हुआ है ये तेरी चाल मेरा हाल बिगाड़े लूट लिया दिल को मेरे दिन दहाड़े काली काली भाई इसकी पोज से ही आप समझ गए होंगे कि इस कहानी का अमरीशपुरी यही है मैं हूं काली यानी विलेन बहुत ही शातिर किडनैपर है ये एक बार इसने टारगेट डिसाइड कर लिया तो उसे उठाकर ही दम लेता है इस वक्त ये किसी के घर के बाहर उसकी कुटाई करने के लिए उसका इंतजार कर रहा है इस हफ्ते के अंदर अंदर मैं काली को पकड़ लूंगा सारे एविडेंस रेडी है इस बार वो बच नहीं सकता ये बात मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूं डिपार्टमेंट से मिले पैसे से तुम मजे कर रहे हो तुम्हारे घर पे सारा सामान मौजूद है दिन भर तुम्हारी बीवी सीरियल देखती रहती है एक बच्चा भी हो गया और अब वो खेलने लगा है और ये केस वहीं का वहीं है बस मुझे एक मौका और दीजिए पहले ही बहुत मौके दे चुका हूँ तुमने आज तक किया क्या है तुम बस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाते आए हम तुम्हें कई मौके दे चुके हैं बस अब और नहीं इस बार पक्का पकड़ लूंगा साहब ट्रस्ट मी शिल्पा इसका जरा डायपर बदल दो ये सीरियल भी ना अब
अगर पूरा दिन यही करते रहोगे तो अपनी ड्यूटी कब करोगे? इस बार वो नहीं बच पाएगा साहब, थोड़ा खर्चा पानी मिलेगा तो बच्चे के लिए डायपर ले आऊंगा तो टाइम भी बचेगा। चुप, मैं तुझे एक रुपया नहीं दूंगा। हर समय पैसा, मुझसे दोबारा पैसे मत मांगना। आप डायपर डायपर करता रहता है, पैदा करने से पहले सोचते नहीं है। यहाँ पे चाय की चुस्की मारने आए हैं क्या? आराम से मजे लेके चाय पी रहा है कमीना कहीं का। चल सलाम अलैकुम पलटन भाई। क्या हुआ भाई, आप यहाँ? मैंने सुना है तेरा बच्चा बहुत रो रहा है, सोचा चल के दूध पिला दूं। तुझे तो मैं आज मुझे अबे ये कैसी औरत है, इसका पति मार खा रहा है और ये सीरियल देख रही है। अरे घर घर की यही कहानी है भाई, मेरे घर पर भी यही होता है, पूरा दिन बस सीरियल सीरियल सीरियल। चाहे पति छूट जाए पर इन लोगों का सीरियल नहीं छूटना चाहिए। मुझे अरेस्ट करवाना था ना, डिसाइड कर लिया था तूने, अब क्यों डर रहा है? तुझे क्या लगा था हा? पंखा बंद करके रखा है भाई। मुझे तो मौल दे और पंखा चला कधे कहीं के। भाई भाई प्लीज भाई, मेरे बीवी बच्चे हैं भाई, माफ करो भाई। क्या देख रहा है बे, पिक्चर चल रही है, अरे मारना इसे। अरे तेरी तो नहीं, मत मारो भाई, भाई छोड़ दो मुझे भाई। भाई ओए, भाई मेरी बात तो सुनिए। क्या रे बल्लू, हमने ठूस ठूस के इस कमीने का गोडाउन भरा था और ये मेरी ही दुकान लूटने चला है। कमीने, तू प्यार की भाषा नहीं समझता है। भाई कब से मैं आपको यही बता रहा था, लेट बताने की आदत पड़ गई है। सब के सब गधे। मेरे मुंह पर भी चाय लगी थी ना भाई, इसलिए नहीं सुधरेगा ये। ओले ओले आजा, आराम से आ बच्चा। कल बहुत तबीयत खराब थी मेरी। बॉयफ्रेंड का मतलब अब राजू को समझ में आ चुका है, ये हर जगह भाग्यश्री को फॉलो करता है। इस वक्त ये मुझे कॉलेज लेकर आया है, आपको तो पता ही है कि राजू कितना शर्मीला है, अब आप खुद ही देख लीजिए। ए डफा, डोंट फॉलो मी।
तुमने तो बोला अपन बॉयफ्रेंड है ना। अरे मेरे बाप, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अरे ऐसे कैसे यहाँ से चला जाएगा, मामला तो सेट हो गया था और हम दोनों साथ में जिंदगी बिताएंगे, भरोसा करना। तुमने सच में आईने में कभी शक्ल देखी है? तुम्हें कैसा लगा हमारा कभी मैच हो सकता है? सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ कोई भी तुमसे नहीं पटेगी। अब ध्यान रखना, आई एम लीविंग एंड डोंट यू डेयर टू फॉलो मी। सॉरी, आई एम सो सॉरी। दारू है क्या? लिकर है क्या? सो द मैटर इज, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। मेरा एक क्लास है और तुम थर्ड क्लास, सेट नहीं होगा। क्या क्या? तेरा क्लास है? दिख रहा है, अच्छे से देख रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मेरी प्रॉब्लम समझो, मैं तुम्हारे पैर पढ़ती हूँ। क्या कर रही है, पैर छूने का जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हें ये घोड़ा कहाँ से मिल गया? आपने को पूछते नहीं मिला है? पूरी की पूरी फैमिली घोड़ा ही चलाती थी क्या? सवारी करना ही उनका काम है। तो तुम मुझे भी उस फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। कुछ ये बच्चा। ये क्या है? सिगरेट। तेरे को लगता है अपुन गधा है क्या? अपुन जानता है ये क्या है? तू तो गई। अगर तेरे को यही सब कुछ करना है ना, तब तो तू पक्का गई। कसम से यार, सिगरेट ही है। ये रो, मारो, मजा आएगा, ट्राई तो करो। अरे लो ना, एक बार ट्राई करके तो देखो, मस्त है। एक बार बोलती है, ला इधर। कम ऑन, हैव इट। अरे रुकना है। हे, कैसा लगा बोलो ना। कैसा लगा? कड़क है। मस्त लगा ना? बच्चा तुम भी एकदम कमाल के हो। लोग विरासत में मिले घर को, यहाँ तक कि इंसान को भी बेचते थे, और एक तुम हो। तुमने बादशाह को पालने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, पर प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। कितनी बार बोला पैर मत पकड़, तू अपन की छोटी बहू है क्या? चल ठीक है, मैं तेरे को अकेला छोड़ देगा, पर मेरे साथ एक डांस करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार, तभी अपन तेरे को छोड़ेगा। छोड़ देता हूँ। ये छोड़ने और डांस करने में लिंक क्या है? तू डांस करेगी? क्या स्टेप नहीं आता है क्या? मुझे स्टेप? एक मिनट रुको। ये दोनों पीने पिलाने में बिजी हो गए, इन्हें किसी की परवाह ही नहीं थी, पूरी रात मस्ती करते रहे। दिल को मिलता सुकून जब तुम पास में
सारा गम है उड़ जाता आकाश में yeah. तुझे मुझसे और मुझे तुझसे है कितना प्यार एक दूसरे से है फिर सवाल क्यों कितना किस है कोई ये बता देना हमें yeah. ये दिल क्यों खोया खोया खो हो खोया इसको क्या होया 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 ये दिल क्यों खोया खोया जाने क्या मुझे हो गया इसको क्या होया होया इसको जाने क्या हो गया सॉरी या दो सॉरी बोलो कितनी सॉरी यार उफ 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 अब बोलो सॉरी कहो आई एम सॉरी ये कैसी बेखुदी ए बाबा 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 कैसी है मदहोशी अरे रे बाबा 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 क्यों ये खामोशी ए बाबा 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 कैसी है मदहोशी बाबा 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 क्यों ये खामोशी ओ ओ तू है कितनी हॉट बेबी तुझे प्यार करूं ऑन द स्पॉट बेबी ओ माय गॉड गिव अप डू नॉट बेबी मेरा साथ बेबी वरना दिल होगा शॉट 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 दिल को मिलता सुकून जब तुम पास में सारा गम है उड़ जाता आकाश में तुझे मुझसे और मुझे तुझसे है कितना प्यार एक दूसरे से है फिर सवाल क्यों कितना किस है कोई ये बता देना हमें ये दिल क्यों खोया खोया खो खो खोया इसको क्या होया 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 ये दिल क्यों खोया खोया जाने क्या मुझे हो गया इसको क्या होया होया इसको जाने क्या हो गया मेरी ड्रेस तो मस्त भीग गई यार इस हाल में मैं घर कैसे जाऊंगी तो मेरी तरफ क्या देख रहा है बिठा दे इसे मेरी पीठ पर यहां से उड़ा कर ले चलते हैं तेरे को क्या लगा उस लड़की की वजह से तेरे को दवा देना भूल जाऊंगा ऐसा कभी नहीं होगा रे मेरे भाई तू तो अपन की जान है तू जाने अपन की आ जा इधर सीधा खड़ा रहे अरे बहुत चिल्ला रही थी क्या हुआ इसका रंग देखा है पूरा बाप पर गया है संभल के लगता है आदतें भी बाप पर ही जाएंगी इसकी मैं प्यार में खोया खोया जागा जागा सोया मैं प्यार में खोया खोया नमस्ते मैडम गुड मॉर्निंग
पंच काई को हमेशा अपना मुंह काई को चलाता रहता है तू बंद कर अभी अरे मैं प्यार में खोया खोया रात भर ना सोया मैं प्यार में खोया खोया अरे रुकना मेरे ठीक से रात की कोई बात तुमको याद है क्या फुल टल्ली हो गई थी तुम किसी की सुनी नहीं रही थी टल्ली चल बच्चा चल बेटा हे मेरी ड्रेस किसने बदली मेरी ड्रेस किसने बदली बोलो ये मत कहना कि तुमने बदली फिर कौन बदलेगा आपुन नहीं तो बदला तुमने कपड़े पे उल्टी करके गंदा कर दिया था तो धो के सुखाने के लिए डाल दिया वो देखो उधर सूखने लगा कपड़ा तुम्हारा यू जर्क स्टे देयर यू फूल अरे 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 काटो मत सब ठीक हो जाएगा अगर आज के बाद मेरे पीछे आया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी इडियट अरे अपना कपड़ा यहीं पे भूल गई मेरी बात सुन ले तेरा पति ना उसके साथ अच्छी बात की जाएगा देने ही क्या बचेगा रात वाले कपड़े नहीं चाहिए क्या तेरे को अरे क्या चल रहा है शिट अरे घर में छोड़ आई थी अब मम्मी अरे नहीं अरे काय को मारिए अरे काट मत क्या कर रही है बम कंफर्म बम यू आर एन एटम बम व्हाटएवर ए भाई अरे ए राजू मैंने तुझे समझाया था ना वहां क्या देख रही है कभी अंडरवेयर नहीं दिखा है क्या देखता हूं तुझको मुझे तो आती है ना हेलो कितने पैसे लेना है भाई अबे गधे उसे पकड़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा लेना है ठीक है भाई चल मैं बाद में बात करता हूँ ओके भाई मुझे एक को किडनैप कराना है मेरी गली में रहता है फोटो है अरे मोबाइल में है भाई पर मोहल्ले के सारे लोग उसे जानते हैं उसके पास एक घोड़ा है भाई 50 लाख लगेंगे हाँ मैं 2 करोड़ देता हूँ ये रहा 10 लाख एडवांस अरे ये किडनैप विडनैप का नाटक क्यों ये जानना जरूरी है क्या इधर आ चल इधर आ जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो तुझे बीच में बोलना जरूरी था क्या क्यों जवाब दिया तूने उसे जवाब बाप रे मुझे भी जवाब देना आता है अभी बोल ये किडनैपिंग उडनैपिंग का क्या नाटक है भाई वो मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच आ रहा है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पर वो बीच में आके सब गड़बड़ कर रहा है और कुछ दिन पहले तो उसे उसके कपड़े में देखा किसके कपड़े में चुप कर तुझे नहीं बता सकता अबे कमीने तुझे भौंकना जरूरी है क्या लेके जा रही से चल चल काम हो जाएगा चल आ, आ। भाई आज तो पूरे 10 लाख आए हैं पार्टी करते हैं ना भाई जब तक पूरे पैसे ना मिले 1 रुपए भी मत खर्च करना बहुत पार्टी वार्टी मना ली है चल भाई 2 करोड़ दे रहा है मुझे तो इस पार्टी में लफड़ा लगता भाई देखेंगे शीशे में खुद को निहार रहे इस जोकर का नाम है अरुल बॉबडे एनआरआई है ये इंडिया को और इंडिया में रहने वाले लोगों को चीप समझता है आज इसकी शादी है इसीलिए ये बंदर की तरह गुलाटी मार रहा है उसे मंडप में ले जाने के लिए राजू और मैं बाहर इंतजार कर रहे हैं इसके ससुराल और इसके परिवार वाले पिछले 2 घंटे से बाहर इसका इंतजार कर रहे हैं वैसे पता चला है कि ये जोकर पहले ऐसा नहीं था
पता नहीं यूएस में जाकर इसे क्या हो गया। देखते हैं क्या होता है। देखो तो कम ऑन हाई फाई 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 शिया डोंट यू नो व्हाट इज हाई फाई यू ब्लडी गंजू मैन। ये पागल है क्या? हनीमून के लिए ऊटी का टिकट बुक किया है। ठीक है जाओगे ना? बताओ दामाद जी। व्हाट? वहाँ घास फूस के अलावा और क्या मिलेगा? अपना हनीमून तो लॉस एंजलिस में होगा। हेवन, कमाल की जगह है। वहाँ तुम्हारी बेटी के साथ मैं इलू इलू करूंगा। तुम जाओ ऊटी। शट अप मॉम। इसकी औलाद। मैंने तुमसे कहा था कि मैं शादी में फरारी में जाऊंगा और तुम लोगों ने क्या किया? तुम मेरे लिए इस मंकी के साथ डोंकी लेकर आ गए। ये डोंकी नहीं है, घोड़ा है, समझ गया? एनीवेज आई नो दैट तुम मुझे नहीं बताओगे कि कहां और किस पर बैठकर जाना है। ओके मुझे अच्छे से पता है मेरी एंट्री कैसी होनी चाहिए। अरुल चुप करो। मॉम मेरी शादी में कुछ तो मेरी पसंद का होना चाहिए। मॉम यू नो दैट स्माइल स्माइल जब मैं बोलूंगा तभी हम यहाँ से निकलेंगे। ओके टेल हिम आज मैं दूल्हा बनूंगा। जीजा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने इसमें क्या देखा। मैंने कहा था ना ये लड़का सही नहीं, पर आप माने? सर अपने को लेट हो रहा है, जाने का है। उससे अच्छा तो ये है, पर आपको तो यूएस का लड़का चाहिए था ना। देखा आपने, अफ्रीका से भागा हुआ लंगूर लग रहा है वो। अब शादी के बाद आपकी बेटी का क्या होगा ये सोच रहा हूँ मैं। जाके अपना काम कर, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। मुझे नहीं पता है क्या तुझसे ज्यादा मुझे अपनी बेटी की चिंता है, उसके भविष्य की चिंता है। सर अपने को लेट हो रहा है, जाने का है। गधा कहीं का, शांत नहीं रह सकता। अबे गधों मेरी बात सुनो, जब तक मैं प्लान बता रहा हूँ सबके दिमाग खुले होने चाहिए, समझ गए ना? हाँ भाई। तो ये है सीताफल मंडी, ये रहा कैंपस, और ये है दूसरी तरफ का फ्लाईओवर, समझ में आ रहा है ना? सीताफल मंडी में वो घोड़ा लेके कहीं शादी में जा रहा है ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। तुम लोग वहाँ गाड़ी लेकर जाओ। कौन सी लेके जाओगे? सोमो। सोमो लेके जाओगे और समंदर ही रहना। रात का मामला है, पुलिस का लफड़ा हो सकता है, समझ गए ना? गाड़ी को फ्लाईओवर की पार्किंग में ही खड़ी करना। ठीक है भाई। चलो अब जाओ, बारात की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है भाई। समझ गए ना? ठीक है भाई। बंदूक निकाल के धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देना। समझ में आ रहा है ना? समझ गया भाई। फिर घोड़ा निकाल के उसकी कनपटी पे लगाना। किसकी कनपटी पे लगाएगा? किसी और की कनपटी पे मत लगा देना। नहीं भाई नहीं। जिसके पास घोड़ा रहेगा उसी की कनपटी पे घोड़ा रखना है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। गलती नहीं। और एक बात और, सिर्फ दो चार फटके मारना है, जान से नहीं मारना है। तुम सारे गधे ही तो, अपना दिमाग मत लगाना। मैं यहाँ कॉमेडी कर रहा हूँ, प्लान पे फोकस नहीं कर रहा है तू? ध्यान दे इधर। गन सर पे रख के क्या करना है भाई? खुद की खोपड़ी खोल ले। कनपटी पे गन रखने के बाद सीधा उसे कार में लाके डालना। गाड़ी जैसे ही स्टार्ट हो सब वहाँ पे होने चाहिए, ना कोई पान और ना कोई बीड़ी, कोई भी टाइम पास नहीं। सब कुछ क्लियर हो गया? क्लियर है भाई। क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर। वो तो सब क्लियर है भाई, पर खाने में मंचूरियन और मोमोज रख लेते हैं। तुझे मंचूरियन चाहिए? हाँ भाई। तुम लोग को भी मंचूरियन चाहिए? हाँ भाई। दारू तो सब पी के ही आए होगे? नहीं भाई। अबे कुछ लोग तो यहीं पे चालू हैं। पी के जाओगे तो फिर प्लान कैसे वर्कआउट कर पाओगे? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। गन लेके जा रहा हूँ भाई। सुमो लेके जाना, सुमो। ठीक है भाई। गधे ये वाली गन क्या तेरा बाप लेके जाएगा? ले जाना इसे। सारे गधे यहीं आ गए। उधर देख बच्चा, आगे ले। Oh!
Let's go. So, you are the donkey whom I'm gonna ride with? हाँ सर, घोड़े की सवारी, सवारी कौन? Hey, shh. Don't touch. मुझे बिना छुए घोड़े पर बिठाओगे, okay? आइए आइए. Careful. चलो. Hey, ची, don't touch. Touch नहीं. Hey, मेरा दामाद घोड़े में बैठ गया. बजाना शुरू करो. ये क्या लगा रखा है? What is ढिंचिक ढिंचिक ढिंचिक? क्या कोई यहाँ पर डांस करने वाला नहीं है? अब देखना, मैं प्ले करूंगा म्यूजिक और आप सब उस पर डांस करना. लेट्स प्ले माय म्यूजिक. Super bar, bomba, फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं. भाई ने गाड़ी वहीं पार्क करने को कहा था. पुलिस का लफड़ा भी हो सकता है भाई. इधर आ. हाँ ना. हाँ तेरी तो गधे की बात मानेंगे. बेवकूफ है हम. आज वो जो कुछ भी है हम लोगों की वजह से है. तुम लोग मेरी बात मानोगे? सॉरी भाई. जब भी वो हमारे साथ नहीं रहेगा तो बॉस मैं रहूंगा. चल टेस्ट चलाना. सब लोग एक जगह खड़े हो जाओ. गोलियां खत्म. भाई यहाँ पर दुल्हा भी है और दुल्हन भी. भाई पर भाई ने बोला था जिसके साथ घोड़ा हो हमें उसको किडनैप करना है. खराब कर दिया. ये है मेरा शिकार. इधर आ. ये मैं तुझसे बात कर रहा हूँ. यू कांट किडनैप मी. आई एम ए यूएस सिटीजन. क्या? अबे चुप कर. अरे तो अंग्रेज है, कॉलर नहीं लेंगे. गेट योर हैंड्स ऑफ माय तेरा सूट. अबे चल तेरी तो. लियो मी चल हम लोग आगे बैठते हैं. लगता है चले गए. ए वो लोग चले गए. बजाना शुरू करो. आने दो आराम से. ए देख के आराम से उतरो भाई. अच्छा पहुंच गए क्या? हाँ भाई. चलो टाइम पे पहुंच गए. अच्छा है. अले? अरे वो कौन सा गाना बज रहा था? कांटा लगा जिधर लगा. भाई शादी में हम सब ने खूब मजा किया. खूब टुमके लगाए. मस्त पार्टी करके आए और एक को साथ में भी ले गया है. डीसीएम किसने कहा था ले जाने को? भाई आपने ही कहा था. चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सोमो लेकर के जाना. डीसीएम लेके गया. और ये घोड़ा लाने को किसने कहा था? मैं घोड़े के बारे में पूछ रहा हूँ तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अबे गाड़ी रोक. क्या हुआ भाई? अबे तुम लोग भूल गए क्या? भाई ने घोड़े को भी लाने को कहा था. गाड़ी घुमा जल्दी. आपने ही कहा भाई घोड़ा लाने को. मैंने घोड़े पे बैठे आदमी को लाने को बोला था और तुम लोग घोड़ा लेके चले. मैं जब प्लान समझा रहा था तो घास चरने गया था दिमाग. मैं तो वहाँ गया ही नहीं भाई.
सब निकम्मे हैं गधे। ए सैंडी। हाँ भाई। किडनैपिंग हो गई है, साथ में एक सौगात भी है, उसका घोड़ा। बैलेंस 1,90,00,000 लेके तुरंत आ जा। 10 मिनट में पहुंचता हूँ भाई। घोड़ा लाने को किसने बोला था? घोड़ा लाने को किसने बोला था? ए भाग्यश्री, ए जरा बाहर आना, बाहर आ। दीदी बच जा, वो पागल है। तेरे लिए एक सरप्राइज है। लीव सैंडी। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? क्या रे, राजू के साथ बहुत मजे कर रही थी ना, हाँ? अब उसका खेल खत्म। What? मैंने उसे उसके घोड़े के साथ किडनैप करा लिया, किडनैप। इसलिए अब तुझे सैंडी के साथ ही रहना होगा। हाँ? क्योंकि तेरा आशिक तो किडनैप्ड है। हाँ? हाँ? भाग्यश्री, भाग्यश्री, मेरी बात सुनो, बहुत हो गया सर्कस, अंदर आ जाओ। गेट इन, कम ऑन। 10 मिनट, 10 मिनट्स, आई बी बैक। भाग्यश्री, 10 मिनट्स, प्लीज। राजू को ढूंढ रही हो बेटी? वो तो शादी में सवारी लेके गया है, जाओ वहीं होगा। अरे मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, नाचो नाचो, वो लोग चले गए, पार्टी करो, एंजॉय करो। यहाँ क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, सैंडी ने बताया कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया है। मैंने सोचा अगर सच है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। ए, आप उनको येड़ा बना रही है क्या? तुम्हें पता है तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? तुम्हारे घोड़े को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कहा तुम्हारे घोड़े का किडनैप हो गया है। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा तुम्हारे घोड़े का किडनैप हो गया है। ए राजू, बादशाह, अपना बादशाह गया, वो तो गया, चला गया। राजू ने जिंदगी में पहली बार अपनी लवर पर हाथ उठाया, वो भी मेरी वजह से। अब आप समझ गए होंगे कि ये मुझे किस हद तक प्यार करता है। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ याद आया, काली के गैंग ने मुझे किडनैप कर लिया था। राजू पूरी रात जागता रहा और मुझे हर जगह ढूंढता रहा। मेरी बात सुनो भाई। मेरा वो घोड़ा खो गया, आपने देखा कि इधर? नहीं देखा भाई। नहीं, नहीं, नहीं। बेचारा राजू, जैसे उसका दिल ही टूट गया था। भाई, भाई, वो बचा, 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 बचा।
ए राजू, तेरा घोड़ा ना वो काली की गैंग वाले ले गए हमारी दूसरी गली में। अरे भाई, आपका जवाब नहीं। एक मिनट। कड़क नोट है भाई। तू तो कल रात को आने वाला था भाई। रात में पाइपलाइन टूट गई थी ना, चलने में दिक्कत थी। कैसी पाइप? अब तुझे ये भी जानना है, अपने काम से काम रखना। जरा एक मिनट भाई। क्या रे, तू मेरी आइटम को देखेगा? तेरे घोड़े के साथ तुझे भी घोड़ा बना देता हूं मैं। मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए तुझे, मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए तुझे। कमीना चेहरा छुपा कर बैठा तुझे तो। ये कौन है भाई? मैंने इसके बारे में थोड़ी ना कहा था, वो दूसरा है। तो फिर ये गधा कौन है? मुझे क्या पता ये कौन है। अबे यार, तुम लोग किसे उठा के लेके चले आए? आपने कहा था घोड़े पे बैठे आदमी को ले आओ, हम ले आए। किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है, सब निकम्मे हैं। भाई मैं जरा सुसु करके आता हूँ, तब तक आप लोग इसके बारे में डिसाइड करो। अरे ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। नहीं भाई, भाई माफ कर दो। गधा का ही काम, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा भाई, वो घोड़ा मेरा, मैं उसे लेने आया हूँ। भाई भाई, ले जा। शुक्रिया भाई। ए बादशाह, कैसा है तू? रात भर कहाँ पे था? मैं कितना परेशान हो गया था पता है? अच्छा, तेरे को दवाई भी लेनी है ना? चल घर पे चलते, चल आजा। बादशाह ये तू इधर ही रुका, अभी आता हूँ। हाँ बड़े अश्लील गेटअप में लग रहे हो भाई। क्या हुआ, तुमको खोल दूं क्या? खोलता हूँ, एक मिनट। थैंक्स, थैंक्स ब्रो। प्लीज मेरे हाथ खोल दो, आई पे यूएस डॉलर्स। दारू को एक मिनट, दारू पी के। इसलिए ब्रो, इंडिया आज तक वही का वही है, सभी के सभी लूजर्स हैं। खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो। वाई 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 ब्रो, वाई। ये और मरम्मत होने दो, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नो, हे ब्रो, हे हे, यू हस्बैंड, कम हियर, कम हियर। डॉलर्स, आई विल पे यू यूएस डॉलर्स, 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 हाँ, डॉलर्स, हाँ। छोड़ दो भाई। चल बच्चा, चल, 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 निकलते, चल, आजा, आजा, चल, आजा। अरे बड़े भाई, हाय, थैंक यू भाई, चलता है अपन, थैंक यू। नहीं भाई, बोतल चाहिए ना भाई, फुल बोतल चाहिए, फुल बोतल। एक मिनट, मैं चलता हूँ, पहले मेन आदमी को पकड़ो फिर बात करते हैं। आप बस उस घोड़े को संभाल कर रखना, वो अपना घोड़ा लेने जरूर। अरे ये जरा पकड़ो। भाई घोड़ा कहाँ चला गया? दारू पीना है, पिलाऊं मैं? अबे ये घोड़ा कहाँ चला गया भाई? जिसका था वो लेकर चला गया। तेरे को कोई भी बुलाएगा तू चला जाएगा क्या? लात मारनी चाहिए उसको, इतना दिमाग तो होना ही चाहिए।
आजकल गांधी जी बनने से काम नहीं चलता भाई। हाँ, सुन रहा है ना तू? लेकिन बादशाह वो बेचारा बॉबडे उसको चड्डी में बिठा के पीट क्यों रहे तेरे? मजा आ गया, अपन तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो इसी के काबिल था, मजा करने दे। चला जा, दवा का टाइम हो गया। ये अरे हिल मत रे। अरे ठीक है रे। अच्छा वो काबिल ही इसी के था, अभी देखना उसको अकल आ जाएगी। क्या कहता है, कौन है रे? भाई आपके छत पर पतंग आई है, हमें चाहिए। दीपावली के बाद भी कोई पतंग उड़ा देगा? चलो निकलो। प्लीज भाई दरवाजा खोलो ना। प्लीज भाई, प्लीज प्लीज भाई खोलो ना। उसकी चड्डी छोड़ के सारे कपड़े उतर के मार रहे थे। प्लीज दरवाजा खोलो ना। प्लीज तुम लोग कितना रुको, अभी आता हूँ। हाय नॉट बैड। वो रात में तुमको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, बुरा मत मानना। तो मोशन में आ गया था ना, इमोशन। हाँ वही। चल ठीक है, एक्चुअली मुझे सॉरी बोलना है। बादशाह से तुम्हारा इतना गहरा रिश्ता है, मुझे पता नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने इस बारे में सोचा, तब मैं समझी, मुझे चिंता होने लगी। वही तो तुम्हारा अपना है। उस रात मैं बहुत नशे में थी, काफी अच्छा सेटअप किया है। एक्चुअली सॉरी, मैंने ही तुम्हें परेशान किया, बुरा मत मानना प्लीज। ए, ये क्या, तू अपने को सॉरी काहे को बोल रही है? तू तो अपना पत्नी जैसी है। हाँ क्या बोलता है बादशाह? पहले ही पता था अपने को, शक्कर ज्यादा हो गई होगी। You are such a fool. वो तो है। बार बार फोन काहे को काट रही है, बात कर लेना एक बार। मैंने इसे 10,000 लिए थे और मैंने उस पैसे की पार्टी कर ली, इसलिए काट रही हूँ। क्या बोली, 10,000? हाँ 10,000। अब वापिस कैसे करेगी? पैसा कमाना तो केले खाने जितना इजी है, बहुत आसान है। हाँ हाँ रुक जा, रुक। ये क्या कर रहे हो? रुक जा, रुक। इसमें ना पूरे मिला के 2,88,066 रुपए हैं। बच्चा था तब से ये पैसा जमा कर रहा है, 5 सालों तक एक टाइम का खाना खा के अपुन ये पैसा जमा किया है। तेरे को पता है पैसा बचाना कितना मुश्किल होता है? तेरे घर वालों के पैसों ने तो तेरे को अंधा बना दिया है। लेकिन ये हर नोट में ना अपन के मेहनत की कहानी है। इतने सारे पैसे बचाकर करोगे क्या? हमें कुछ होता है तो हमारा परिवार सहारा देता है कि नहीं? लेकिन इसका कौन है, सिर्फ अपन ही तो है। ये बेचारे का दिल बहुत कमजोर है, डॉक्टर ने इसके अंदर स्ट्रिंग डालने को बोले। स्टेंट्स? हाँ वही। तो तुम 5 साल से अपना पेट काट कर इसके ऑपरेशन के लिए पैसे बचा रहे हो, है ना? हाँ। मैं नहीं मानती। अरे सच कह रहा हूँ बादशाह की कसम। नहीं मानती। रुक जा।
ये देख। ओह माय गॉड, मैन आई कांट बिलीव दिस। तुम इतनी मुश्किल क्यों उठा रहे हो? क्योंकि अपने को एक टाइम का खाना सिर्फ इसी की वजह से ही तो मिलता है ना। आप उन इसके लिए जितना भी करेगा वो सब कम है। राजू के स्ट्रगल की कहानी सुनकर भाग्यश्री उससे इंप्रेस हो गई। अब भाग्यश्री के दिल में उसके लिए घंटी बज चुकी थी। कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हें अभी कोई काम था? कुछ खास नहीं, बस एक सवारी लेके जाने का। ओके, बाद में मिलते हैं। ना रुका है ना है ठहरा, प्यार का ये पल सुनहरा। Oh, I fall in love with my only you. I fall in love, this is it now. मेरा मन खिला खिला जब से तू मुझे मिला है, सबसे जुदा जुदा तेरे प्यार की कला। तेरे संग रहूं सदा मैं परछाई की तरह, पर कर भी नहीं कभी मैं सकती तुझे भुला। ना रुका है ना है ठहरा, प्यार का ये पल सुनहरा। Oh, I fall in love with my only you. I fall in love, this is it now. नन्हे नन्हे सपने मेरी आंखों ने देखे हैं, तूने उन सपनों में अपने प्यार के रंग भरे। जितनी मधुर है बातें तेरी, उतनी मधुर है यादें तेरी। Oh, I'm falling highly तेरे प्यार को। I'm falling now आकाश में। मेरा मन खिला खिला जब से तू मुझे मिला है, सबसे जुदा जुदा तेरे प्यार की कला। तेरे संग रहूं सदा मैं परछाई की तरह, पर कर भी नहीं कभी मैं सकती तुझे भुला। ना रुका है ना है ठहरा, प्यार का ये पल सुनहरा। तो पहले दिल ये मेरा ऐसे धड़काना था, अनजानी सी फीलिंग मेरे दिल को हो रही। बातें ये दिल करने लगे, किसी से बिछड़ने से डरने लगे। I wanna say now, यही तो प्यार है। Oh, I wanna stay in your arms। मेरा मन खिला खिला जब से तू मुझे मिला है, सबसे जुदा जुदा तेरे प्यार की कला। तेरे संग रहूं सदा मैं परछाई की तरह, पर कर भी नहीं कभी मैं सकती तुझे भुला। ना रुका है ना है ठहरा, क्या रुका है।
अरे इसका कोई गलती, इसे संभाल कर रख। अरे भाई भाई सॉरी भाई। हे यू बिग गाय, सर आपको पता है मैं आपका शिकार नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? आई लीव, कैन यू प्लीज अनटाई दिस रोप? तेरा नाम क्या है? अरुल, अरुल बौद्धे, सन ऑफ जयदीप बौद्धे। ये बॉब डे क्या होता है रे? प्लीज सर, आई हैव टू लीव इन 3 days टू कैलिफोर्निया, डेलीगेट से वहाँ मेरी मीटिंग है। अगर वो घोड़े वाला नहीं आया तो इस गधे के बाप से पैसे निकलवाते हैं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है ये। हे दोस्त, प्लीज लीव मी। अबे सुनना, कहाँ मर गया? अबे जाके उस राजू को ढूंढना यार, ये सैंडी बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है मेरा। तेरी तो हे बल्लू, देख बुला रहा है, जा। गंदे गंदे इशारे करता है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे रोक क्यों लिया? बोलो। इडियट, हाउ डेयर यू? तुमने मुझे रोका? हो गया ना? इडियट। अरे तू सबको मारेगी तो अपन के घोड़े पे सवारी कौन करेगा, बोल? मैं भी तब से यही कह रही हूँ, तुम ये सब करते क्यों हो? पागल। अरे तू मेरी परेशानी समझ ही नहीं रही है यार। शट अप। घर पे ही होगा, और कहाँ जाएगा? व्हाट? क्या है? अरे दोनों का काम करो। क्या करें, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। तो एक काम कर, भाई को फोन लगा। भाई का मूड भी उनकी शक्ल जैसा है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, चल चलते हैं, चल। बस एक बार हाथ लग जाए फिर देखना क्या करते हैं। चुप ना। बाप रे। अरे तू उन गुंडों के चक्कर में अपने को फंसा देती है यार। ये लोग मुझे ही तो ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं, पता है हमेशा आसपास में ही एरिया में घूमते रहते हैं। हंस रही है? ठीक है, चल तू शांत हो गई। तेरे वो संभालते संभालते अपने दिमाग की दही हो जाएगी, बैठ जा, अपन तेरे को समझाता है। किधर था मैं? हाँ, अगर तू लोगों को ऐसी मारती फिरेगी तो अपने को पैसा कौन देगा? तू तो जानती है ना कि अपने को बादशाह के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है, पता है ना हमारे पास एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। और ये क्या किया ये देख, है? अब मेरे ऑपरेशन के बारे में राजू के अलावा भाग्यश्री को भी चिंता थी। वो रात रात भर जागती रहती और हम जैसे घोड़ों के बारे में उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया था। एक इंटर्न, इट्स ऑलरेडी 12 PM नाउ, जल्दी आकर सो जाओ। हाँ, कमिंग कमिंग। So it's all related to heart. Okay. सॉरी, रात भर सो नहीं पाई इसलिए आने में लेट हो गई। वन मिनट। बादशाह, इस लाइन पर ही चलना, कम ऑन। ये ऐसा कर ही नहीं पाएगा, इसके बस की बात ही नहीं है। ऐसा क्यों? वो मेरी बात तो समझ सकता है ना? हाँ समझता है, सब समझता है, दो नंबर, एक नंबर, ये जो सारे काम है ना ये अपनी मर्जी से ही करता है ये। हे, मैं समझाती हूँ। ओके बादशाह, कम
प्लीज ना। अरे इसको बार बार ऑर्डर देके अपना टाइम बर्बाद मत कर रही। मैं इसको मस्त सवारी पे ले जा रहा था, अभी निकल लेते बाद में मिलता है। चल बच्चा। वेट 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 वेट। क्या नाम है इसका? बादशाह। और मेरा नाम? भाग्यश्री। देखा ना मैचिंग, बादशाह भाग्यश्री, हम दोनों का कनेक्शन पहले से ही है। तुम साइड हटो, बी पेशेंट एंड वॉच। ये तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अपुन क्या बोला? ये किसी की नहीं मानता है। वो सुनेगा, बादशाह भाग्यश्री की बात सुनेगा। चलो बादशाह, चलो कम। अरे ये छोकरी, इसका दिल पहले ही कमजोर है, काय को सता रही है? क्या प्रॉब्लम है तेरी? इसीलिए मैं कुछ आसान ट्रिक अपनाने जा रही हूँ। देख बादशाह, मैं एक चीज कह देती हूँ, अगर तू मेरी बात मानेगा तो राजू आज के बाद से दो वक्त की रोटी खाएगा और तुझे कभी किसी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अच्छा खाना होगा, वक्त से सोना होगा, इस बारे में सोचना, बाकी तेरी मर्जी। पता है मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? तेरी भलाई के लिए, राजू की भलाई के लिए, एंड मोर ओवर अपने लिए भी। अरे बादशाह, वेरी गुड, चलते रहो, जब तक मैं ना कहूँ सर्कल पर चलते रहो। ये क्या कर रही है तू? ये मैं तेरे को बादशाह को मारने नहीं दूंगा। अरे जा रे, तू जा, हट। अरे हट क्या, इसको बादशाह, बादशाह, गुड बादशाह, चलते रहो। ये देखो, मैं अपने हाथ पर ये बेल्ट बांधती हूँ, सही से ऑब्जर्व करना। जब मैं इसे छोड़कर वापस से पकड़ूंगी तब तुम रुक जाना, ओके? इसका मतलब तुम्हें अब रुकना है, ओके ना? मैं उधर जा रही हूँ। बादशाह फोकस। बादशाह मैंने बेल्ट रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, देखना। बादशाह, 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 मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ये देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बेल्ट हाथ पर बांधूंगी, उसके बाद मैं इसे धीरे धीरे छोड़कर पकड़ूंगी, तब तुम्हें रुकना है, ठीक है? सारे ट्रिक कहां से पता चली? ए भाग्यश्री, तू तो कमाल की है। अभी क्या करने का? चल तो चल ना, बताती हूँ, चल 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 ना, क्या करेगी अब? चल बादशाह। एक बात बता, तेरे अमेरिका में ऐसे कहीं भी शुशु कर सकते हैं क्या?
हे यू ब्लैक डॉग, कहीं और जाकर नहीं कर सकता। अगर तू यूएस में होता ना, कॉप्स वुड हैव किक्ड यू बैक मैन। ज्यादा मत बोल, अभी घुमा दूंगा तेरी तरफ। छी छी, हे दूर हट, छी पागल कहीं का, हे छी। अबे चश्मा उतार। भाई भाई, मुझे नहीं लगता आप काम कर पाएंगे। मेरा एडवांस मुझे वापस कर दीजिए, मैं किसी दूसरे गैंग को ये सुपारी दे देता हूँ। आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। ए, आवाज कम कर, काम हो जाएगा। ए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ क्या? भाई से कर रहा हूँ ना बात। सर, हे यू ब्लैक फ्लावर, हे सर, वुड यू प्लीज टेल देम टू लीव मी सो दैट आई कैन अटेंड मीटिंग इन द कैलिफोर्निया आफ्टर 3 डेज। दैट ब्लैक डॉग पिसिंग ऑन मी। हे ब्लैक फ्लावर, प्लीज। अंग्रेज की औलाद तुझे। भाई मुझे मेरा एडवांस वापस करो ना, आज मुझे किसी दूसरे गैंग को देना है। सैंडी सैंडी सैंडी, आराम से भाई। टेंशन मत ले यार, 2 दिन का टाइम दे, ढूंढ निकालूंगा उसे, परेशान मत हो। भाई आजकल वो घर पे नहीं आता, जब भी जाते हैं ताला ही मिलता है। मुझे नहीं पता है भाई आप कैसे क्या करोगे। मैं आपको 2 दिन देता हूँ, अगर नहीं कर पाए तो मुझे मेरा एडवांस चाहिए। इसने भाई की बात पर भरोसा कर लिया, जब वो घर पे ही नहीं है तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे? हमें काला जादू थोड़ी आता है। <मरा गया। laughs> तो अपना पैंट भी यही बोल गया। क्या रे? I'll stay. ठीक है। हे, वो 50 mm का रॉड दे जरा। थैंक गॉड, तुम लोगों की सारी तैयारी हो चुकी है। सब रेडी है मैडम। सुपर्ब। और क्या करना है देख के बताइए। हाँ बताती हूँ, कहाँ से करें? 1 मिनट। शब्दों की मैं बातों से ये शब्दकोश खोल दूं, जो आज तक न बोला कोई लफ्जों को वो बोल दूं। देख खुद को आईने में, फिर आईने से बोल तू, ये जिंदगी है तोहफा, इस तोहफे का है मोल तू। रफ्तार ऐसी मानो जैसे वक्त पीछे पीछे छूटता है, धड़कने ये तेज पर ये दम कभी कभी न टूटता। जो हो जुड़ा जमीन से वो आसमां को चूमता है, हौसले जुनू तो नसीब ना ये न ये न ये न ये रूठता। मुश्किलों को जान के अनजाने हो न जान से, बन खुद ही रास्ता और खुद ही मंजिलों को जान कर, बन जानवर एक ऐसा के तू जाने हर इंसान को, न बन तू शख्स ऐसा जिससे जानवर भी हैरान हो। ये घोड़ा तेज चीते सा जो शेर सा दहाड़ता, रास्तों में कांटे या फिर कांटों के हो रास्ते, बिजली सा बिजली सा बिजली सा ये दौड़ता और कांटों को उखाड़ता। वाओ, दिख रहा है। राजू, आज से तुम यही काम करने वाले हो। हाँ। चलो चलते हैं, लोगों को यहाँ बुलाते हैं। क्या बोली? चलो लोगों को बुलाएंगे। हाँ। यहाँ पर? हाँ। कैसे? लोग तो उस तरफ है, उनको इस तरफ कैसे लाएंगे अपन? चिल्लाना है क्या? बाचा बाचा, हे, इसमें सुनाई नहीं देता। ऐसे नहीं करते। हेलो, लाओ मैं बताती हूँ, लाओ। हेलो, हेलो, ऐसे करते हैं। अरे बच्चा, चलो चलो, टाइम नहीं है, चलो। हे, चला जा, जल्दी चलो। हेलो, हेलो,
बुलाओ। भाइयों, बहनों, अंदर आ जाइए। अपना बादशाह, नहीं 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 नहीं, घोड़ा अंदर है, मस्त स्मार्ट है, लेकिन उसका दिल कमजोर है। ये क्या बोल रहे हो? हाँ, अब देखना। ग्रीन कलर की पॉटी है, येलो सोसो है, ये भी बोलो। छह। हाँ? हाँ? One second. हाँ? Ladies and gentlemen, here is a small announcement. Magic, magic, बादशाह का जादू. Super. इंडिया में फर्स्ट टाइम फ्रांस से ट्रेन घोड़ा लाया गया है भारत में पहली बार। आइए भाइयों, आइए, बादशाह का जादू एक्सक्लूसिव लेन सवारी सेटअप। आ जाओ भाइयों, आ जाओ एक बार। नहीं बेटा, किराया बहुत महंगा है, इससे अच्छा पिक्चर देखते हैं। एंट्री 100 रुपए में है, सिर्फ 100 रुपए में, वो भी तब देना जब शो अच्छा लगे, नहीं तो आपके सारे पैसे वापस। चलिए चलते हैं ना, बच्चे जिद कर रहे हैं, 100 रुपए की तो बात है। ठीक है, चलो। मुझे बात भला कब सुनती है? आइए भाइयों, आइए, सिर्फ 100 रुपए में। आइए भाइयों, आइए, कम ऑन, कम ऑन, आइए भाइयों। खाली 4 लोग आ गए। पापा अंदर घोड़ा है ना, मजा आएगा ना पापा? नो प्रॉब्लम। आइए भाइयों, आइए, आइए भाइयों, आइए, जल्दी जल्दी, शो शुरू होने वाला है, जल्दी कीजिए, आइए आइए भाई लगाएं। अरे घोड़े का शो, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, 100 रुपीज 100 रुपीज 100 रुपीज। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? मुंडा मार्केट में केले बेचने वाला भी तेरे जैसा ही चिल्लाता है। शट अप, इसे टैक्टिक कहते हैं, तुम नहीं समझोगे। अबे क्या कर रहे हो? अरे सीधे खड़े हो ना, हम जरा हां वो देखते हैं क्या चल रहा है। आए यहां पर आराम से, ए भाई उधर जा। हम काफी करीब पहुंच चुके हैं बादशाह, अब सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं। अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया तो ये सब लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? सुन लिया सुन लिया। लो इसे पकड़ो, इसे पूजा करके लाई हूँ, इसके पैर में बांधो जल्दी। चलो चलो चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं, चलो आ जाओ। कैसे खड़े हैं, क्या बात हो गई? अरे शुरू करो भाई, शुरू करो। जल्दी से शुरू करो, हमारे पास काम नहीं है क्या? शांत रहो। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं ना? ये सब क्या है? जहां मर्जी थूक दोगे? चल चल जा। हे बादशाह, सर्कल पर ही चलना, गो। मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट। ओके बादशाह भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, गुटखा खाने वाला थू थू, हम सब के बीच थूकने वाला, पूरे शहर को गंदा करने वाला, सबसे नीच गंदा नंबर 1 बदतमीज इसी भीड़ में मौजूद है। क्या कहते हो, उसे अपना सवारी सेटअप दिखाएं? कम ऑन। हाँ।
मन के लिए जो कटारी सवारी ये सवारी ये सवारी ये सवारी सभी का जो मसीहा दुश्मन के लिए जो कटारी इस भीड़ में ना एक चिकना चश्मा लगा के खड़ा है जरा उसको अपना सवारी सेटअप दिखा दो धन दौलत को मार दे ठोकर खुश रहता यू शौक से जीकर मानवता की मिसाल बने हम दीपक नहीं मशाल बने हम सवारी ये सवारी ये सवारी ये सवारी सभी का जो मसीहा दुश्मन के लिए जो कटारी सवारी ये सवारी ये सवारी सभी का जो मसीहा दुश्मन के लिए जो कटारी चाची वो घोड़े वाले को देखा जो दाढ़ी रखता है। मैंने किसी को नहीं देखा जाओ तुम तेरी तो मैं भाई देखते हैं कहीं वो घोड़े वाला सर्कस में ना हो सकता है वो अंदर सवारी बिठा रहा हो अगर उसे सवारी बैठाना हो तो वो टेंट के अंदर बिठाएगा हां वहां उसे सवारी मिलेगी क्या बताना मिलेगी क्या उसे बता ए चल रहे
गम में भी हंसना सीखो, हर दिल में बसना सीखो, चार दिनों की जिंदगानी हंस हंस के जीना सीखो। नफरत हो तो प्यार से जीतो, दुश्मन हो तो वार से जीतो, मित्र हो तो व्यवहार से जीतो, दुनिया को अधिकार से जीतो। सवारी ये सवारी, ये सवारी ये सवारी, सभी का जो मसीहा, दुश्मन के लिए जो कटारी। सवारी ये सवारी, ये सवारी ये सवारी, सभी का जो मसीहा, दुश्मन के लिए। काफी कमाई हो गई। देखा ना, पैसा कमाने का एक तरीका होता है। अब हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। पहले बादशाह का ऑपरेशन करा लो, पैसे मिल गए हैं। इंतजाम हो गया है ना? ए, बच्चा, हमारे बुरे दिन अब चले गए रे। हमें पैसा मिल गया, बहुत पैसा मिल गया है। अपन कल ही तेरा ऑपरेशन कराएगा। अभी हफ्ते भर तेरे को सिर्फ आराम करने का है। आई हैव अ डाउट। अब क्या? सपोज बादशाह और मैं रोड पर जा रहे हूँ, हाँ, और अचानक से कोई गाड़ी आके हमें उड़ा दे ऑन द स्पॉट। हाँ, हाँ? हम दोनों हॉस्पिटल में बेड पे आसपास आखिरी सांस ले रहे हैं। तुम्हें ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, नहीं तो हम दोनों ही जान गवा देंगे। We both will die. तो एक के ऑपरेशन में 6 लाख का खर्चा है। 3 लाख तुम्हारे पास अभी है और 3 लाख तुम्हारे घर पर रखा हुआ है। तुम किसे बचाओगे? मुझे बचाओगे या बादशाह को बचाओगे? बड़ा ही आसान है, बादशाह की रक्षा करेगा, सवाल ही नहीं है। लेकिन अपने को खुशी है कि तूने एक चीज तो मान ली। What? तू भी एक जानवर ही है। वरना तुम दोनों एक ही हॉस्पिटल में कैसे जा सकते हो? अरे अब बताओ जरा, किसे बचाओगे? हाँ, बादशाह को बचाऊंगा। ऑपरेशन तो उसी का ना। अरे उसी का ऑपरेशन। अरे बच्चे का ऑपरेशन करना। रुक, भागे श्री, पकड़ो पकड़ो। अरे रुक ना, पकड़ के दिखाओ। अरे भागता रहिए, भागे श्री, इधर लाओ। अरे दे इधर, इधर लाओ। अरे उसमें पैसा है, ला इधर। अरे रुक, अरे बच्चे का ऑपरेशन करने का ना अपने को, ला इधर। What the hell is happening, भागश्री? चाचा, I can explain. Just get in the car. Now! नमस्ते अंकल। तुझे तुम है? Get lost! चाचा, आप घर आ सकते हैं क्या? कुछ बात करनी है, अर्जेंट है। किस बारे में बात करनी है? भाग्यश्री की जो शादी कैंसिल हो गई थी, मैं वही शादी कल के कल ही करना चाहता हूँ। वही भाग्यश्री ना, जो शादी में घोड़ा लेकर भाग गई थी, उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ, यस यस। चाचा। हाँ हाँ, घर आ जाइए। हाँ, अभी आ जाऊँ क्या? हाँ, अभी आ जाइए। ठीक है, आता हूँ आता हूँ आता हूँ। चाचा। Quiet! Just quiet! बेटा, तू अंदर जाके सो जा। Look at her. इतना कुछ करने के बाद भी इसे कोई गिल्ट नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि मुझे गिल्ट हो। शट अप, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी आंटी सही कहती थी, तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद मुझे तुम्हें रोड पर ही छोड़ देना चाहिए था। तुमने मेरी परवरिश का बहुत अच्छा सिला दिया है। क्या हुआ, पूछो इससे। तुम्हें नहीं लगता बेटा कि तुमने गलती की है? इन लोगों ने तुम्हारी बचपन से परवरिश की है, तुम्हें इनकी बात माननी चाहिए। लुक एट दिस, कॉलेज से लेटर आए हैं ये। लुक एट दिस, एक भी अटेंडेंस नहीं है। छे,
आई हैव डिसाइडेड, कल ही इसकी शादी कर दूंगा। इसकी माँ भी ऐसी ही थी, एक नंबर की जिद्दी। सब जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। इसकी माँ को बीच में क्यों ला रहे हो? घोड़े वाले के साथ मस्ती चल रही थी, एटलीस्ट क्लास तो मेंटेन करना चाहिए ना, जरा भी शर्म नहीं है। गो 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 गो, जाना वरना तेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जल्दी जा। देख रही हो? दारू है क्या? हाँ हाँ। मुझे घर के कोने में फेंक दिया। हाँ यार, तेरे को झपटा, वो गलती की है। ए, अरे बादशाह, आजा आजा, यहाँ बाहर भीख का ही घूर है, इधर अंदर आके खड़ा हो जा। बारिश हो रही तो शेड के अंदर आ जाने का ना, ऐसा बाहर खड़े होके भीगने का कहीं को, तेरा ऑपरेशन करने का अपने को। चल खड़ा नहीं अब। तेरे को और पीना है क्या? अपन दूसरी बोतल लेके आता है। ए, क्या हुआ तेरे को? अरे रोना बंद कर रहे तू। क्या मैंने उन्हें मेरी परवरिश करने कहा था? ऐसा लगता है मुझे खरीद करना है, सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एटलीस्ट मुझे घर की नौकरानी जितनी भी इज्जत मिली होती तो मैं रोज इस तरह से दारू कभी नहीं पीती। वो तुम्हारी खुशी के लिए ये सब बोलते हैं, तो इसमें रोना काहे को? वो कह रहे थे कि मैं घोड़े वाले के साथ घूमती हूँ। कितनी चीप बातें कर रहे थे वो। अरे वो सही बोल रहे थे, अपने पास चीप दारू ही तो है, इसके लिए ऐसा रोने का नहीं। क्या ध्यान दे रही है उनकी बातों पे? वो मेरी शादी कराना चाहते हैं पैसों के लिए, उस 55 साल के बुड्ढे से कल ही मेरी शादी कराना चाहते हैं। रिटर्न डाउरी, मेरा अटेंडेंस पेपर, तुम्हारे साथ घूमना, ये सारे एक्सक्यूजेस दे रहे थे वो। मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ। तू सच में शादी कर रही है? पहले बादशाह का ऑपरेशन करा लेना। बादशाह, राजू का ख्याल रखना। मुझे नहीं लगता हम दोबारा मिलेंगे राजू, कल ही बादशाह का ऑपरेशन करा लेना। I'm sorry. क्या हो रहा है बच्चा? मैं घोड़ा चलाता हूं तो अब उनके सीने में दिल नहीं है क्या? वो लोग मुझे इतना बुरा गायको समझते हैं। सच कह रहा हूं, उस वक्त मेरा दिल बैठ गया जब मैंने राजू को रोते हुए देखा। अरे बादशाह, रुक यहां पे, रुक, यहां से हिलना मत तू, अपन अभी आता है। गेट रेडी फॉर योर वेडिंग टुमारो, नाउ गो टू बेड। जाओ, गुड नाइट, इट्स फाइनल नाउ। अरे
राजू को यह समझ में आ चुका था कि भाग्यश्री के परिवार वालों को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, इसीलिए वो मेरे ऑपरेशन के लिए रखे हुए पैसे उन्हें देने जा रहा था। जाना भाई, राजू दे देना पैसे उन्हें, भाग्यश्री से ज्यादा भला और क्या जरूरी हो सकता है। मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहता हूं। दे आ पैसे। पैसे ले लो सर, 6,20,033 रुपए हैं, सारे रख लो सर, पर उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मत करो सर। वो बहुत अच्छी लड़की है, आपने जब उसको डांट दिया ना तो बेचारी अकेली बाहर बैठकर रोने लग गई थी, जानते हो, और वो भी पता है क्यों, क्योंकि वो यहां आप सभी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है सर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तू है कौन मेरी बेटी के बारे में बोलने वाला? Who the hell are you? Look at him. चीप कहीं का कपड़े और हुलिया तो देखो। हाँ मैडम, सस्ती दारू पिता है, पर आपकी बेटी बहुत अच्छी है मैडम, उसको समझने की कोशिश करो। सड़क पे जाके अपना घोड़ा गाड़ी चला, हमारे फैमिली मैटर में मत पड़। ब्लडी हेल, यही तो आप कह रहे हैं ना सर, रोड पर सवारी चलाने वाला आपकी बेटी का दर्द समझ गया, फिर उसके अपने क्यों नहीं समझ पा रहे सर? अरे वो अकेले रोती रही, दारू पीकर रोड पर घूमती रही बेचारी, क्यों आपने कभी उसकी परवाह नहीं की? अरे कम से कम मेरे पास तो अपना बादशाह है, लेकिन भाग्यश्री का कोई नहीं है सर। बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है, इसे बाहर फेंको। जस्ट थ्रो हिम आउट। चल चल, एक मिनट रुको, वेट वेट। ये पैसे हमारी बेटी के करीब आने की सजा है, और ये जो चिल्लर है ना, यही तेरी असली औकात है। सब ले लो सर, चिल्लर भी ले लो, इसे बाहर रख लो, बाहर फेंक दो इसे, जस्ट आउट हिम, बाहर फेंक दो इसे, उसके शादी करके जिंदगी बर्बाद मत करो। हो कल उसकी शादी है, तू यही खड़ा होकर अभी तक सोच रहा है? तुझे तो मर जाना चाहिए, इसी लायक है तू। अबे गधों, इस घोड़े का क्या किया जाए? ये कुत्ते की पिल्ले की तरह हमारे पीछे ही पड़ गया था, इसलिए इसे भी यहाँ लाना पड़ा भाई। मैं राजू के होश में आने का इंतजार कर रहा था, आज भाग्यश्री की शादी है, और अगर उसकी शादी हो गई तो ये मर जाएगा। उठ जा राजू। अबे मुझे क्या देख रहे हो, उठाते क्यों नहीं हो इसे? क्या ये अपनी स्वागत मना के आया है क्या?
कल रात से सो रहा है। ए, ए, उड़ रहा है। ए, ए, सांस तो चल रही है ना। ए, उठ ही नहीं रहा भाई। अबे तब तक हम यहाँ क्या करें? आपको फोटो खिंचाने का शौक है ना, घोड़े के साथ फोटो शूट करेंगे। मेरा महंगा वाला सूट। भाई इधर कैमरा में देखो। भाई संभाल कर भाई। आराम से आराम से। डरो मत भाई, मैं हूँ ना। अरे 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 उतर गधे उतर, कहा ना जल्दी से उतर ले बेवकूफ, मैं यहाँ तेरे लिए थोड़ी आया हूँ। उतर मेरी पीठ से, जल्दी उतर उतर ये वाले पोज में। चल जल्दी जल्दी। गोल्डन भाई गोल्डन। खींच लिया? हाँ खींचा ना। अरे गधे पकड़ ले भाई। वाह ये फोटो लड़कियां देख लेंगी तो आप पे मर मिटेंगी भाई। भाई भाई संभल के भाई। आई केयर यू भाई। तेरी तो नो फियर भाई, बिल्कुल नहीं डरो भाई, मैं हूँ ना। ऐसे 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 और एक और। तुझे अभी तक यहीं पे बांध के रखा? यू ब्लडी हॉर्समैन, तेरी जगह इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। ब्लडी मोरॉन्स, सारे के सारे भूत है। घोड़े पर बैठकर आप हीरो लग रहे हो, क्या पोज दिए भाई। अरे रे आप उधर क्यों गए भाई? भाई भाई प्लीज भाई, भाई अपने को जाने दो ना भाई, प्लीज भाई अपन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, जाने दो ना, अपन आपके पैर पड़ते भाई, भाई जाने दो ना। ए सैंडी, तेरा काम हो गया है, राजू के बदले में बैलेंस 1,90,00,000 लेके आ जा। 10 मिनट में आता हूँ भाई। आते वक्त नए नोट ही लेके आना। भाई भाई अबे ये मुझे समझता क्या है, फोन ही काट दिया मेरा। आजकल इसको बहुत चर्बी आ गई है भाई, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। आने दो बताता हूँ, बस 10 मिनट तो यहाँ बैठ, आने दे उस सैंडी को। भाई 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 प्लीज भाई, अपन आपके पैर पड़ता है भाई, प्लीज जाने दो ना, अपन बहुत प्रॉब्लम है भाई, भाई हाथ जोड़ता है, प्लीज भाई जाने दो ना प्लीज। अबे मुझे एक बात बता, तू घोड़ा चलाता है तो उसके मामले में क्यों टांगा डाल रहा है? नहीं भाई कसम खाता है, वो उसने शुरू किया था, अपन ने कुछ नहीं किया, उसने मारा हाथ तोड़ दिया। कसम खाता है भाई, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है भाई, वो सब कुछ करता है, बीड़ी गुटखा मटका पान चरदा गांजा भांग सारा नशा करता है भाई। उसी की गलती थी, वही लड़की को परेशान कर रहा था भाई, वो एक नंबर का छिछोरा है, ठरकी है, कमीना है और हरामखोर भी है भाई, पक्का बोलता है। काले भाई आप महान हो, मान गया आपको। क्या रे तेरे बारे में काफी जानकारी दे रहा था ये। देखता हूं ना भाई, तू जरा ये पकड़। अरे ए क्या क्या जानता है तू मेरे बारे में? अरे भाई सैंडी हरामजादा, सैंडी भाई नहीं मत मारो भाई, बहुत लग रहा है भाई भाई। अरे भाई मैं तुमको कल कॉल करूंगा, लेकिन अभी मेरे को जाने दो भाई प्लीज। क्या रे सारे पैसे लेके आया है ना? ए रुक क्रेजी हॉर्स, सारी नोट एकदम कड़क है भाई, एकदम गर्मा गर्म। इस घोड़े को तो मैं भाई, अगर आप इसे मार दोगे ना तो मैं आपको और 2 करोड़ दूंगा, वो भी एकदम कड़क नोट भाई। हाँ मेरी गंदे भाई, प्लीज मेरे को मत मारो भाई, भाई नहीं भाई, भाई 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 नहीं भाई, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ भाई, प्लीज मेरे को मत मारो भाई, भाई भाई प्लीज भाई, एक एक ही जिंदगी अपने पास, प्लीज भाई मत मारो। पहले किसे मारो? नो 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 बिग भाई, नो बिग भाई, नो नहीं भाई मत मारो। मैं तुझे गली गली ढूंढ रहा था भाई, तुझे नहीं मारा, पहले इस घोड़े को मारो भाई, दिमाग खराब कर भाई। यहाँ काली ने वही गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता है ना कि जब मुझे कोई चोट पहुंचाना चाहता है तो उस समय राजू की सटक जाती है। अरे रुक, अरे क्या कर रहा है ए भाई, भाई मेरे घोड़े को कुछ मत करना। अबे तू क्या कर रहा है?
मैंने बोला ना वो कमीना है, उसका बाप गली में नकली नोट छापने का धंधा करता है। आप चाहो तो एक नोट चेक कर लो ना। अरे भाई इसमें गांधी जी तो उल्टे हैं। अरे ये डुप्लीकेट है, कहां गया रे संडे? मारो उसे। ए हॉर्समैन, हॉर्समैन, दोबारा कभी हमारे देश का मजाक बनाएगा? नो नो नो, ये थी यहाँ तक की कहानी। अब आगे क्या होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता, पर मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि राजू और भाग्यश्री एक हो जाए। ऐसे में मैं हिनहिनाने के अलावा और क्या करता? बादशाह, तुम दोनों को मिलाने में मेरी जान दांव पे लगी है। ए लड़की बाहर आ। ए, ताली बजाओ, ताली बजाओ। देखो तो जरा, आज मेरे यार की शादी है। हेलो, रुको रुको, देखो वो तैयार हुई क्या? हाँ हाँ हो रही है, हो रही है। हाँ बस 30 मिनट और लगेंगे। हाँ रेडी हो रही है। अरे लगता है आज यहाँ किसी और की भी शादी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ। दीदी कल रात को घोड़े वाले अंकल यहाँ आए थे, उन्होंने ये सारे पैसे दिए हैं। पापा ने उन्हें मार के घर से भगा दिया। भाग्यश्री, अगर तुमने घर से बाहर कदम निकाला तो यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। थिंक अबाउट इट। चाचा, उसकी कंडीशन जानते हुए भी आपने उसके जमा किए हुए सारे पैसे छीन लिए? So, what's wrong with that? मैंने उसके साथ ऐसा करके उसे सबक सिखाया है। It's a good lesson for him. चाचा, मम्मी डैडी के मौत के बाद आपने मुझे लाइफ में कभी खुशी नहीं दी। I swear, आपने हमेशा मुझे एक एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह समझा, सबके सब एक जैसे, पर सिर्फ राजू ने मुझे अपना माना। Because you know why? उसे आपने और बाकी लोगों ने अपनाया नहीं। And moreover, he loves me. Great, बहुत बढ़िया। तो तुम भी उसके साथ घोड़े की सवारी करा ना? एक सवारी के 30 रुपए मिलेंगे। Let's go fast. Damn good. इतने दिन आपने मुझे सहारा दिया, उसके लिए मन में इज्जत थी। अच्छा है। पर अब वो इज्जत भी नहीं रही। चाचा, आप में और राजू में क्या फर्क है बताऊं? वो घोड़े की सवारी करके भी कई लोगों का पेट भरता है, पर आप तो सफारी चलाते हैं ना चाचा, और आप उसी के नीचे वैसे लोगों को कुचल देते हैं। गुड बाय चाचा। हाँ?
आपके साथ। बादशाह, तुम मेरे लिए आए हो ना? ये क्या है बादशाह? इतनी मुश्किलें सहकर तुम दोनों ने मिलकर ये पैसे कमाए और ऐसे ही मेरे घर छोड़कर चले गए। तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर मैं हूँ? गुर्रा क्यों रहे हो? दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। कहाँ है वो इडियट? भाई रुक जाओ, ये रुक जाओ, भागेश्वर की शादी हो रही है, प्लीज रुक जाओ भाई, प्लीज रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ भाई। भाग्यश्री, तो आखिर तुम शादी कर ही रही हो? ठीक है, ठीक है, जाओ खुशी से शादी करो। तुम खुशियों में रहोगी यही काफी है, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। उस 55 साल के बुढ़े के साथ तुम कैसे खुश रहोगी भाग्यश्री? रह सकती हो, रह सकती हो, खुश रह सकती हो, मस्त खुश रह सकती हो, पर बादशाह नहीं, पर भाग्यश्री, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अब तुम जिंदगी में कभी भी मुझसे या बादशाह से मिल पाओगी क्या? हाँ, नहीं मिल पाओगी। मैं ये सब कुछ संभालूंगा, लेकिन तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं भाग्यश्री? तुम ये नहीं समझोगी भाग्यश्री, अब मैं और क्या कहूंगा, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, लेकिन मेरे जीने की वजह तुम हो, मुझे जरूरत है तुम्हारी, नहीं रह सकता मैं। लेकिन एक चीज मैं पक्का जानता हूं कि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाऊंगा। जो बोलना था बोल दिया, मुझे पता आप लोग मुझे लात मार गए, यहां से सीधे भगा दोगे। मैं सब कुछ समझता हूं भाग्यश्री, मैंने यहां से जाने से पहले एक बार तुम्हारा चेहरा देख के जाता हूं। तुम अपना चेहरा दिखाओगे तो मैं रिश्वत में तुम्हें 1 क्वार्टर दारू दे सकता हूं। बस एक बार अपना चेहरा दिखा दो भाग्यश्री, भाई जरा हटना तो। पापा, मुझे ये लड़का चाहिए। चुप कर। अरे राजू इधर देख। अब मुझे बताओ, बादशाह और मेरा एक्सीडेंट हुआ है, हम दोनों ही मरने वाले हैं, पैसे सिर्फ एक के लिए हैं, क्या करोगे तुम, किसे बचाओगे? हाँ मैं बादशाह को ही बचाऊंगा। फिर ये क्या किया? बादशाह के पास तो मैं हूं, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं है। वाह मेरे राजू वाह, फिल्म के क्लाइमैक्स में तूने करी दिखाया। अरे ये बैंड वाले ऐसे हाथ बांध कर क्यों खड़े हैं? बोलो ने जल्दी बजाने के लिए। एक मिनट,
तुम एक मिनट यहीं रुकना, यहीं रुकना, जाना मत। ए भाई, ए बचाओ बचाओ, बैंड बचाओ बचाओ बचाओ। तुम अब मेरे साथ कैसे जी पाओगी? अपना सवारी सेटअप चालू करेंगे ना? एक मिनट, तुम एक मिनट यहीं रुकना। ए भाई भाई, मुझे मंगलसूत्र दो ना। ये क्या कह रहे? प्लीज भाई, भाई मैं शादी के लिए तैयार हो गई है भाई, प्लीज भाई मुझे दे दो ना। अरे ये तुम्हें तुम्हें क्यों दे दूं? छोड़ो, नहीं नहीं दे सकता। अरे भाई दे दो क्या? हां दे दो, ठीक है ले जाओ। प्लीज दे दो। बादशाह का ऑपरेशन हो जाने के बाद हम फर्स्ट नाइट मनाएंगे। राजू की कहानी देखकर मुझे एक सीख मिली, होप यानी आत्मविश्वास। आपने देखा कि भाग्यश्री उसे हमेशा दुत्कारती रही, जबकि अपना राजू भाई सिंसियरली ट्राई करता रहा। तो जिंदगी में होप और कड़ी मेहनत के साथ कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। तो गाइज कीप गोइंग। साइनिंग ऑफ, मैं आपका बादशाह।